हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आए इंडिया गेट देखने के लिए, तो आपको साथ ही इंडिया गेट भी दिखाएंगे और कर्तव्य पथ जो कि बहुत बड़ा है। कम से कम इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक लगभग 3 किलोमीटर के लगभग बताया जाता है। तो कर्तव्य पथ देख सकते हैं ये है, और आगे बहुत ही अच्छा अच्छा पार्क भी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कर्तव्य पथ का, और पूरा मैप के साथ बताया गया है। तो आपको कहाँ पर कौन सा जगह है सारा जानकारी मैप में दिखाया गया है, तो आपको मैप भी दिखाएंगे। तो देख सकते हैं ये पूरा कर्तव्य पथ का रास्ता है, और ये बोर्ड लगा हुआ है, और आगे देखिए रोड के उस पार इंडिया गेट है। तो चलिए आपको आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, पूरी जानकारी मिलेगी यहाँ पे आपको इंडिया गेट के बारे में और कर्तव्य पथ के बारे में। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैप है, तो बोर्ड के पीछे ही मैप बना हुआ है कहाँ पर कौन सा भवन है, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है, और मंत्रिमंडल जितने भी हैं उनके ऑफिस कहाँ पर हैं, सारे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग आइएगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है बोर्ड के पीछे में। देख सकते हैं कर्तव्य पथ इतना बड़ा है। तो दोस्तों इंडिया गेट से लेकर लगभग राष्ट्रपति भवन तक 3 किलोमीटर बताया जाता है कर्तव्य पथ का लंबाई। तो देख सकते हैं वो इंडिया गेट रोड के उस पार है, हम लोग इस पार हैं, तो आपको रोड के उस पार जाना पड़ेगा इंडिया गेट को नज़दीक से देखने के लिए। और दोस्तों आसपास आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, आगे का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाना है। तो बहुत ही खूबसूरत दोस्तों इंडिया गेट लग रहा है, यहाँ से दूर से ही आपको अच्छा लगेगा, यहाँ से भी आप लोग फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग यहीं से फ़ोटो खिंचवाते हैं और सामने जाकर भी खिंचवाते हैं, लेकिन दोस्तों रात के टाइम और भी अच्छा लगता है। तो आप लोगों को रात का व्यू भी दिखाएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। शाम के टाइम कैसा लगता है इंडिया गेट वो भी आप लोगों को बताएँगे ज़रूर। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे है इंडिया गेट, घंटों की वजह से नहीं दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, कर्तव्य पथ में हम लोग खड़े हैं। देख सकते हैं ये पूरा कर्तव्य पथ है इसको बोला जाता है। तो बहुत लोग यहाँ पर फोटो वगैरह भी खिंचवा रहे हैं, और फैमिली के साथ कपल्स लोग सभी लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है भारत का इंडिया गेट और कर्तव्य पथ। दोस्तों इसी पथ में 26 जनवरी के दिन परेड होता है, इसी इतने लंबे कर्तव्य पथ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन भक्ति गीत गा रहे कुछ विदेशी लोग, देख सकते हैं भक्ति भावना में डूबे हुए हैं, बिल्कुल इंडियन कल्चर के साथ में ये अपना गीत गा रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का नज़ारा। इतना भीड़ है दोस्तों, और हम लोग लगभग इंडिया गेट से 500 मीटर की दूरी में है। तो दोस्तों आगे सचिवालय है, और आगे ही आपको मिलेगा सारा जितना भी मंत्रिमंडल के ऑफिस वगैरह हैं, रक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय, ये सब आपको सभी ऑफिस आगे में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे जाके आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे, उसके बाद फिर इंडिया गेट की ओर बढ़ेंगे रात का व्यू दिखाने के लिए आप लोगों को। तो दोस्तों कर्तव्य पथ जो कि 2022 में इसका नाम दिया गया, इससे पहले दोस्तों आज़ादी से पहले इसका 30वें नाम था, उसके बाद आज़ादी के बाद इसको राजपथ बोला जाता था। तो देख सकते हैं यहाँ पे कर्तव्य पथ जो कि 2022 से ये कर्तव्य पथ इसको नाम दिया गया। तो दोस्तों बीच में आपको एक दो रोड भी मिलेगा, उनका अलग अलग नाम है, वो सब आपको पार करके आगे राष्ट्रपति भवन तक आगे लोग पहुंचते हैं, जो कि मंत्रिमंडल के लोग सीधा कर्तव्य पथ के रास्ते से ही वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए वो अलग ही दिन खुलता है। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा साइड में आपको पार्क भी देखने को मिलेगा। तो हम लोग पार्क के रास्ते से जा रहे हैं, थोड़ा नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर मंत्रिमंडल के सभी ऑफिस। तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन सचिवालय तो ज़रूर दिखाई देगा। तो मंत्री लोगों का तो यहाँ आना जाना लगा रहता है, देख सकते हैं आज भी एक मंत्री आया था, पता नहीं कौन है, जा रहा है ब्रिटेन। तो दोस्तों हम लोग और नज़दीक आ गए हैं, तो देख सकते हैं थोड़ा अंधेरा भी हो गया है शाम का टाइम, तो लाइट्स सारी जल गई हैं देख सकते हैं। तो दोस्तों किंग्स वे जो अभी कर्तव्य पथ है, इसकी सबसे पहले उद्घाटन 1911 में हुआ था। तो आगे दोस्तों जाने की अभी अनुमति नहीं है, लेकिन दूर से ही आप लोग देख सकते हैं कैसा है नज़ारा, बिल्कुल रेड कलर से बनाया गया है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दोस्तों।
और भीड़ भी बहुत है दोस्तों, शाम का टाइम हो गया है। तो चलिए अब बाकी सारी चीज़ों को भी आप लोगों को दिखाना है। दोस्तों यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा है आपका ट्रेन, मेट्रो, सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोस्तों 4.5 किलोमीटर है न्यू दिल्ली स्टेशन से, और इसका सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन आपको मिलेगा उद्योग भवन, जो कि सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी में आपको है। तो वहाँ से भी आप लोग आ सकते हैं यहाँ देखने के लिए। तो सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग जिसके सहारे आ सकते हैं, कार, बस, ऑटो से भी आप लोग आ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं इंडिया गेट से हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग नज़दीक चलते हैं और रात का व्यू भी आप लोगों को दिखाना है इंडिया गेट का। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये जगह फैला हुआ है, और शाम के टाइम भी आप लोग आ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, यहाँ पे 24 घंटा खुला रहता है। तो दोस्तों हम लोग और इंडिया गेट के नज़दीक आ चुके हैं। तो देख सकते हैं इंडिया गेट रात के टाइम कैसा दिखता है, बिल्कुल चमकदार और बहुत ही खूबसूरत दोस्तों लग रहा है। तो अभी भी दोस्तों हम लोग उस रोड को उस पार करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग नज़दीक जाएंगे, लेकिन फिर भी दूर से भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और वहाँ नज़दीक पहुँचेंगे इंडिया गेट का, और उसका आनंद लेंगे देखने में और कितना अच्छा लगेगा। तो दूर से भी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगता है, नज़दीक में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए उस पार चलते हैं, फिर आगे की जानकारी आप लोगों को वहाँ जाने के बाद दिया जाएगा। तो वीडियो पर दोस्तों बने रहिए, वहाँ नज़दीक में भी और बहुत कुछ है देखने लायक, देख और बहुत ही खूबसूरत, इसका रंग भी दोस्तों बदलता रहता है, देख सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया गेट का हाइट लगभग 42 मीटर बताया जाता है, और उसके पीछे आपको नेताजी का प्रतिमा भी देखने को मिलेगा, दूर से ही आपको दिखाई देगा, और उसके पीछे दोस्तों अमर जवान ज्योति देखने को मिलेगा, तो आपको वो पास से ही जाके दिखाई देगा। तो दोस्तों हम लोग और नज़दीक आ गए हैं दोस्तों इस पार रोड के, इस पार यहाँ से देख सकते हैं नज़ारा, हम लोग थोड़े इसके राइट साइड में इंडिया गेट के, तो राइट साइड से एक झरना टाइप को बनाया गया, वो भी आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल तिरंगा के रंग का नज़ारा दिख रहा है, हमारे देश का तिरंगा, लाइट्स उसी तरीके से लगाई गई है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग तो राइट साइड में है दोस्तों, अब लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा उसको सीधा रूप से देखने के लिए इंडिया गेट को। तो चलिए अब राइट साइड सीधा हम लोग चलते हैं, इस तरफ से रोड है, तो हर तरफ दोस्तों रोड बनाया गया है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, और फूल भी दोस्तों बहुत लगाया गया है। तो दोस्तों शाम का टाइम सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको शाम को दिन का नज़ारा भी देखने को मिल जाएगा, और रात का नज़ारा शाम ढलते ढलते ये आपको नज़ारा देखने को मिल जाएगी, सारी लाइट से जल जाती है। तो दोस्तों इंडिया गेट की स्थापना 10 फरवरी 1921 को और इसका अनावरण 12 फरवरी 1931 को किया गया था। तो दोस्तों 90 साल से भी ज़्यादा हो गया, तो समझ सकते हैं कितना पुराना और कितना पहले ये इंडिया गेट बना है, और तब से लेकर अब तक कितना खूबसूरत लग रहा है ये इंडिया गेट। तो सबसे खास बात है कि हर दिन आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा इंडिया गेट का, देख सकते हैं शक्ल भी नहीं दिख रहा था मेरा अंधेरा में। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते हैं सामने से नज़दीक से इसी तरह दिखता है इंडिया गेट, और इसका रंग भी आपको समय समय पर बदलता रहता है, दिखाई देगा। रात 10-11 बजे तक भी आपको इस तरह की भीड़ देखने को मिल जाएगा, ठंडा के मौसम में थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों गर्मी के मौसम में आपको इसी तरह का भीड़ दिखाई देने वाला है यहाँ पे। तो दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा तो लाइक करें, इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।